गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम हैं प्रताप निवास होटल में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस होटल में ऐसे कौन से स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहां पे आप फोटोशूट और वीडियो शूट कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट लोकेशन है इस होटल का एंट्रेंस। आप जैसे ही इस होटल के अंदर एंटर होंगे तब आपको एक पार्किंग एरिया दिखेगा। इस पार्किंग एरिया की खासियत यही है कि इसकी जो बेस पे इन्होंने स्मॉल स्मॉल पेबल्स और स्टोन्स रफली जो डाले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, उसका लुक बहुत अच्छा रहेगा जब आप वीडियो शूट और फोटो शूट करेंगे। और वैसे भी इतना स्पेशियस एरिया है ये कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंजस्टेड फील नहीं होगा और यहाँ पे मतलब आप बहुत अच्छे से अलग अलग पोजेस में अलग अलग कैमरा एंगल्स यूज़ कर कर बहुत अच्छा वीडियो शूट और फोटो शूट कर सकते हैं। पार्किंग एरिया के साथ लगा हुआ है इसका लॉन एरिया। ये सेकेंड लोकेशन है। जो लॉन एरिया है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और इन्हेंस कर रहा है इस पूरे होटल के लुक को, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी की ग्रास इन्होंने लगाई है और वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रेडिशनल चेयर्स टेबल्स प्रॉपरली अरेंज की हैं। और उस लॉन एरिया से इस होटल का जो फ्रंट लुक है बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से कैप्चर हो सकता है। कम 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 मेरा बेटा। फोटो शूट करना ज़्यादा बड़ा लॉन एरिया नहीं है, लेकिन इट्स स्टिल बहुत ही अच्छा एक आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा इस लॉन एरिया में, क्योंकि इस लॉन एरिया में फोटो शूट करते साथ आप प्रताप निवास होटल के फ्रंट एरिया जो मेन जो आई कैचिंग जो एक एरिया है उसे कैप्चर कर सकते हैं। बैकग्राउंड बहुत अच्छा और आउटस्टैंडिंग आएगा। रिसेप्शन एरिया में एंटर करेंगे तो आपको एक बहुत ही क्लासिक कार मॉडल दिखेगा। इस क्लासिक कार मॉडल को टच करना प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली मना है, तो आप इस कार को टच नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि फोटोशूट और वीडियो शूट के लिए आपको कार टच करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ इट एज अ मॉडल और आप उस कार के साथ में सामने या साथ आगे पीछे जैसे भी आपको प्रॉपरली अरेंज होना है आप वैसे फोटोशूट कर लो। और ये कार इतनी क्लासिक और इतनी मींस आउटस्टैंडिंग है कि आपके फोटोशूट और वीडियो शूट में आप इस कार के साथ बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और जब आप रिसेप्शन एरिया में एंटर होंगे तो रिसेप्शन एरिया इज द थर्ड स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पर आप वीडियो शूट और फोटोशूट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो एंट्रेंस है वो बहुत ही सूदिंग और बहुत काम आपको एक ऑरा प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर होंगे आपको एक सेंटर टेबल मिलेगी जहाँ पे नीचे मिरर लगा हुआ है और उसके ऊपर सर्कुलेटरी मूवमेंट्स में आपको फ्लावर वासेस मिलेंगी। फ्लावर वासेस बहुत बड़े हैं और उनमें ढेर सारे फ्लावर अरेंज्ड हैं और उस ब्यूटिफुल फ्लोरल अरेंजमेंट के सामने अगर आप आ जाएँ और आप उसे एज अ बैकग्राउंड आप चूज़ करें तो आई थिंक इट विल लुक रियली आउटस्टैंडिंग विथ योर आउटफिट एंड विथ यू। तो इट्स बेटर कि आप उसे सेंटर टेबल को ज़रूर एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल करें आपके फोटोशूट और वीडियो शूट में।
उसके बाद जो वेटिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा ही मीन्स कंफर्टेबल है, और उस वेटिंग एरिया के बैकग्राउंड में आपको मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज़ और शोकेस मिलेंगे, और आई थिंक वो एक अच्छा बैकग्राउंड हो सकता है फ़ोटोशूट के लिए कि आप कामली बैठे हैं सोफे पर रेस्ट कर रहे हैं और एक सिंपल फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी उसमें। नेक्स्ट जब आप रिसेप्शन एरिया क्रॉस करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट फ़ोटोशूट का लोकेशन है, जो एक ओपन एरिया है जहाँ पे सेंटर में आपको फाउंटेन दिखेगा। ये फाउंटेन ज़्यादा प्रेशर से पानी नहीं स्प्रे कर रहा है, लेकिन स्टिल इसकी जो बनावट है बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से और मार्बल को इस्तेमाल करके बनाई गई है, और अगर आप इसको एज अ बैकग्राउंड या एज अ मॉडल यूज़ करोगे तो इट विल लुक रियली वेरी नाइस। बड़ी खूबसूरती से मार्बल के जो बड़े बड़े बाउल्स हैं वो प्लेस किए गए हैं, जिसमें यहाँ का स्टाफ पानी भर के फ्लोरल अरेंजमेंट करता है, जो मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और इस तरीके से आपके फ़ोटोशूट में, वीडियो शूट में जब वो पर्टिकुलर चीज़ें उभर कर आएंगी तो उसमें आपका लुक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगेगा। पर्टिकुलर प्लेस के जस्ट बिहाइंड, उसके पीछे रेस्टोरेंट का फ्रंट एरिया है, जो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होता है इस रेस्टोरेंट में, क्योंकि सनलाइट जो है सीधे उस रेस्टोरेंट के मेन एंट्रेंस और डोर पे पड़ती है, और अगर आप वहाँ पे स्टैंड लेंगे तो आपका जो सनशाइन है, जो पूरा लाइट है, वो आपके फेस पे पड़ेगी, होल आउटफिट पे पड़ेगी, और इस तरीके से आप एक बहुत स्पेशल मोमेंट कैप्चर कर सकते हो। रेस्टोरेंट एरिया का जो फ्रंट एरिया है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, और साथ में इसके दोनों साइड पे वुडन हॉर्सेस को प्लेस किया गया है, और ये जो हॉर्सेस हैं बहुत ही हैवी हैं, वुडन के हैं, तो अगर आप इस पे बैठना चाहें, टिल्ट होना चाहें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, और वो वुडन हॉर्सेस भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक और ट्रेडिशनल लगेंगे, और उसके साथ भी आपका फ़ोटोशूट बहुत अच्छा आएगा। साथ में इस रेस्टोरेंट के फ्रंट में छोटे छोटे विंडोज़ भी हैं, जो पुराने ज़माने में विंडोज़ हुआ करती थी राजा महाराजाओं के पास में, और उसको बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, रेनोवेट किया गया है, और अगर उस विंडो के बीच में आप आएंगे तो उस तरीके से भी आपकी फ़ोटो बहुत सुंदर आएगी, क्योंकि उसका जो पूरा जो फ्रेम है वो विंडो का हो जाएगा और सेंटर में आप रहेंगे और पूरी लाइट आप पे पड़ेगी, तो बहुत ही अच्छा और प्यारा लुक होगा, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोटोशूट, वीडियो शूट में।